इंजन यूज केस प्लेटफॉर्म्स लेवल्स बॉयलर्स मेन इंजन जनरेटर बॉटम फनल ट्रंकिंग टैंक टॉप पाइप टनल इमरजेंसी एस्केप्स स्टेयरिंग फ्लैट वर्कशॉप वेंटिलेशन एंड इंजन कंट्रोल रूम मशीनरी आइटम्स सिस्टम्स एंड लेआउट इन द इंजन रूम डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स टाइप्स ऑफ शिप कंटेनर शिप ऑयल टैंकर बल्क कैरियर रो रो पैसेंजर रीफर सप्लाई वेसल्स एक्सेट्रा शिप के जो भी मशीनरीज है आइटम्स हैं या जो भी लेआउट है वो डिपेंड करते हैं वो कैसा शिप है और क्या काम करता है उसके स्पेसिफिक्स में जैसे कि टाइप शिप का हम लोग का बहुत सारा टाइप होता है फर्स्ट जैसे कंटेनर शिप ऑयल टैंकर बल्क कैरियर रोरो शिप पैसेंजर रीफर सप्लाई वेसल्स एक्सेट्रा तो उनके कैरी करने के प्रोसीजर और उनके प्रोसीजर में पता चलता है कि कौन सा शिप टाइप ऑफ मेन प्रोपल्शन डीजल स्टीम गैस टरबाइन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टैंक के हम लोग का बहुत तरीके का होता है जैसे कि डीजल स्टीम गैस टरबाइन या इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ इंजन स्लो स्पीड मीडियम स्पीड एक्सेट्रा इंजन के टाइप हमें वैरी करता है वो शिप कैसा है जैसे कि स्लो स्पीड है या मीडियम स्पीड है या और अलग है टाइप ऑफ मेन इंजन कंट्रोल ब्रिज अनमाइंड मशीनरी स्पेस इंजन मेन इंजन भी पता चलता है हम लोग को कौन से तरीका का वो शिप है जैसे कि वो ब्रिज है या अनमाइंड शिप है या इंजन भी है नंबर ऑफ पावर यूनिट्स वन और मोर मेन इंजन पावर ऑफ यूनिट्स भी हम लोग का वैरी करता है जैसे वन हो या एक से ज्यादा हो टाइप ऑफ ड्राइव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिंगुलर और ट्विन प्रोपेलर ड्राइव भी हम लोग के बहुत तरीके के होते हैं जैसे कि ड्राइव और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिंगल और ट्विन प्रोपेलर एंड वेरियस अदर फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ अबव एस्पेक्ट्स बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जो जो हम लोग ने बताया उसको बेस करके हम लोग कुछ अलग कॉम्बिनेशन एस्पेक्ट्स उसे बना सकते हैं किस तरीके के शिप होते हैं डिफरेंट इन द साइज ऑफ शिप और द इंजन रूम कैन बी वेल अप्रिशिएटेड By the difference between a small three-wheeler to a 24-wheel lorry and trailer through some of the basic needs remain the same. हम लोग इंजन रूम को मद्देनजर रखते हुए बता सकते हैं कि वो कौन सी शिप है क्या वो थ्री व्हीलर है या 24 व्हील कैरी करने वाली एक लॉरी है साइज ऑफ द मशीनरी इन द इंजन रूम कैन बी अप्रिशिएटेड बाई द